हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना चैनल शिव मिंटू किचन पर। मैं हूँ शिव मिंटू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसा ब्रेड जो आप एक बार खाओगे तो बार बार खाने का दिल करेगा। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड है दोस्तों, एक बार पूरा देख लीजिए ये बनाने के लिए क्या क्या दोस्तों ज़रूरत पड़ता है। इधर सॉल्ट हमने ले लिया, सेफ्रॉन वाटर, ये है हमारा इलायची, इधर शुगर, इधर मिल्क, इधर घी और मैदा दोस्तों। ये पूरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ये बनाने के लिए। ये आप बनाने के बाद आप स्टोर भी कर सकते हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने ले लिया एक बॉल, बॉल पे हमने डाल दिया एक अंडा। ये देखिए दोस्तों, हमने अंडा डाला है। आप ये अंडा चाहिए तो डाल सकते, नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अंडा डाल के हमें बनाना है, बिना अंडे का भी बहुत अच्छे से बनता है दोस्तों। सो हमने एक रेसिपी जो बना रहे हैं नॉन वेज के लिए, सो इसमें हम अंडे को इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, अभी हम डालेंगे इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून। साथ में दोस्तों हमें डालना है शुगर 2 टेबल स्पून के करीब। साथ में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। अभी हम डालेंगे दोस्तों सेफ्रन वाटर 1/2 कप। डालने के बाद दोस्तों हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों अभी हम ऐड करेंगे मिल्क 50 ml। अभी डालना है दोस्तों घी 100 ml। पूरा इन्ग्रीडियंट डालने के बाद दोस्तों अच्छा से मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें हमें डालना है मैदा। मैदा हमने लिया दोस्तों 500 ग्राम। पूरा मैदा हम डाल देंगे इसमें। डालने के बाद दोस्तों हम धीरे 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 मिलाते रहेंगे। इसी मैदे में दोस्तों बहुत ही अच्छा से एक डो तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ में ये डो हमारा तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त हमने डो तैयार कर लिया है। अच्छा से हम गूंद लेंगे थोड़ी देर। दोस्तों हमारा गूंद लिया, अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इसको रेस्ट देना है। तो रेस्ट कितना देना है उसके लिए हम क्या करेंगे, राउंड फिगर में डो बना के उसको क्लीन रैप से रैप करके 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। दोस्तों डो हमारा सेट हो गया है, 15 मिनट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मोटा मोटा लोई कट के ले लेंगे, 2 से 3 टुकड़ा में लोई लोई को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें बेलना है पतला पतला करके। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बेल रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही बेलना है। देखिए दोस्तों, हमने बेल लिया है, अभी हम काटर के मदद से काट ले रहे हैं राउंड राउंड शेप में, छोटा छोटा राउंड करके। आपके पास काटर नहीं है दोस्तों तो आप ग्लास से भी काट सकते हो, या बाउल से भी काट सकते हो, या तो छोटा ढक्कन वाला डब्बे होते हैं उस ढक्कन से भी आप काट के ले सकते हो। तो धीरे धीरे आपको काट लेना है। काटने के बाद दोस्तों आपको सेकना है। तो सेकने के लिए मैंने दोस्तों ले लिया है नॉन स्टिक पैन। सो नॉन स्टिक पैन के ऊपर हम एक एक करके डाल देंगे। जब भी दोस्तों आप नॉन स्टिक पैन में डाल रहे हो तो आपको जो गैस चूल्हा है उसको स्लो रखना है। तो स्लो रख के आप पूरा पहले डाल देना है, उसके बाद फ्लेम को मीडियम रखना है। तो धीरे धीरे आपको पकते रहेगा। जब भी दोस्तों वन साइड पक जाए तो एक एक करके आपको पलट देना है सारे ब्रेड को। देखिए वन साइड हमारा कितना अच्छा से हो गया, सेक गया। अब दूसरे साइड में भी ऐसे ही सेक लेना है। जब भी दोस्तों ऐसे सेक लेंगे, सेकने के बाद आपको निकाल लेना है, कोई बड़ा चीज़ में आपको डाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। दोस्तों ऐसे आप हाफ डाउन सेक के आप स्टोरेज करके रख सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तभी आप निकाल लेना है, जितना आपको चाहिए उतना लेना है। लेने के बाद उसके बाद गर्म तवा में डाल के घी के मदद से आपको सेक के आप आराम से खा सकते हो दोस्तों। सो ये आपको चाय के साथ में भी खा सकते हैं, या नॉर्मली आप ये बिस्किट की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऐसे आपको सेकना है और थोड़ा क्रिस्पी कर लेना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट की तरह लगता है। एक तो दोस्तों ऐसे ही खाना है, और दूसरा मैं और एक तरीका से भी बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त हुआ है। दूसरा तरीका है दोस्तों, जो छोटा छोटा लोई बना लेना है, ऑलमोस्ट 60 से 70 या 80 ग्राम तक आपको लोई काट लेना है। लोई काटने के बाद आप मैदे की मदद से उसको बेल लेना है।
देखिए दोस्तों, जैसे मैं बेल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हो घर पे, बिल्कुल वैसे ही रोटी बेलने की तरह आपको बेलना है दोस्तों। थोड़ा साइज में बड़ा रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वन साइड घी लगा लेना है। घी आपके पास जो भी अवेलेबल है, घी लगाना है तो घी लगाइए, या तो बटर लगा दीजिए, या तो घी बटर कुछ नहीं है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो वन साइड में ऑयल लगाने के बाद या घी लगाने के बाद जो भी लगाएंगे, लगाने के बाद फ्लावर से डस्टिंग कर देना है। डस्टिंग करने के बाद उसको फोल्ड कर देना है। उसके बाद सेम जो आधा फोल्ड है इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल आपको ग्रीसिंग करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद डस्टिंग करना है, करने के बाद दोबारा इसको फोल्ड कर देना है। अभी इसी फोल्ड के बाद आपको अच्छा से बेलना है। पहले साइड से दबा लेना है, फिर उसके बाद आपको बेल लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बेल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बेलना है। तीनों जो कॉर्नर है, कॉर्नर को लंबा करके आपको बेलना है। एक जबरदस्त पराठे जैसा आपको शेप मिलेगा, ट्रायंगल पराठा का जैसे। देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त पराठे का जैसा शेप आया है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको तवा गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको ये पराठा जो है तवा में डाल देना है। थोड़ी देर सेकने के बाद दोस्तों पराठे को पलट देना है। ऐसे दोस्तों पलट पलट के आपको हल्के आँच पे सेक लेना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेका बिल्कुल ऐसे ही आपको सेक लेना है। अभी जब भी ऐसा आपको चारों तरफ दिख रहा है कि अच्छा सेक गया है, तो आपको ऊपर से घी या बटर डाल देना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल देना है और सेक लेना है। थोड़ी देर सेकने के बाद दोस्तों देखेंगे आपका जो पराठे हैं जो क्रिस्पीनेस आएगा, ये कितना जबरदस्त सिक गया है दोस्तों। ऐसे ही क्रिस्पीनेस होने के बाद आपको निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आप इस पराठे को एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, या मिंट चटनी के साथ, या टमाटर चटनी के साथ, किसी के साथ में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त होता है दोस्तों। ऐसे आप एक बार बना के खा के देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।